पिछले कई दिनों से जो है कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में ही नहीं बल्कि जो है देश के बाहर भी कई ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना को लेकर सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है और लोग जो है लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन के तहत जो है आपातकाल की स्थिति निर्मित हो गई है। इसी आपातकाल से निपटने के लिए ऐसे कोरोना के बीच कई कर्मवीर साथी है जो अपने कर्म को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो गरीब मजदूर दिहाड़ी कमाने वाले लोगों को भोजन मुहैया कराना हो, चाहे दवा मुहैया कराना हो, चाहे अति आवश्यक सेवा मुहैया कराना हो। तो कोरोना के बीच लॉकडाउन के बीच जो है ऐसे कर्मवीर कई साथी है जो अपना कामों को और अपने कर्मों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो खाना देने की बात हो, चाहे दवा देने की बात हो, चाहे मास्क देने की बात हो, चाहे सैनिटाइजर देने की बात हो। यहाँ पर हमारे कई ऐसे कर्मवीर साथी हैं जो दिन रात दिन दुखियों की और लाचारों की और गरीबों की सेवा करने के लिए तत्पर है। ऐसे ही हमारे बीच में कुछ कर्मवीर साथी हैं, कुछ हमारे साथी लोग हैं जो भोजन बनाने के लिए और भोजन देने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। अभी इस वक्त जो है हम बालाघाट के सब्जी मंडी में खड़े हैं और सब्जी मंडी में हम यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह जो है हमारे युवा साथी जो है बिल्कुल दान देने के लिए और गरीबों को भोजन मुहैया कराने के लिए जो है दिन रात काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है कुछ साथी लगातार काम कर रहे हैं जिसमें आपका क्या नाम है? पवन कुमार बेलवंशी। ये पवन कुमार बेलवंशी जी है। पवन कुमार बेलवंशी जी कितने दिनों से ये काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो आप? ये अभी हम लोगों को जिन लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को भोजन मुहैया करवा रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह दे रहे हैं और भी जो व्यवस्थाएं बंद पड़ती है वो सारी चीज़ें करते हैं। अभी क्या स्थिति है बालाघाट, चूँकि जो है कई राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है, कई मजदूर आने की खबरें आ रही है, आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर माहौल? यहाँ पर देख रहे हैं कि बाहर से अभी कहीं कोई लोग आ नहीं पा रहे हैं। नगर पालिका में जो लोग आ रहे हैं उनको शरणार्थियों को भोजन हमारे द्वारा कराया जा रहा है, जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम बखूबी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जो व्यवस्था दे सकें। कितने दिनों से आप दे रहे हैं? लगभग 3-4 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी चलता रहेगा। और अभी अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं कि कुछ और युवा साथी हैं जो सब्जी काट रहे हैं इस वक्त और यही जो है अभी पूरा भोजन जो है चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? सुमित चौरे। चौरे जी आप यहाँ मंडी में ही काम करते हैं? जी, का काम जी। तो ये बताइए कि आप किस तरह सहयोग कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर में आपातकाल की स्थिति? होटलें नहीं खुली है, जो लोग खाने के लिए तरस रहे हैं वो कई जगह, कल हमने देखा जा करके हॉस्पिटल गए थे कल हम लोग, तो वहाँ पे कई होटलें नहीं खुली, कई भूखे लोग थे वहाँ पे, एक दो चार कईयों लोगों ने बताया कि यहाँ पे होटलें नहीं मिलने की वजह से भूखे लोग बैठे हुए हैं तो उनको खाना खिलाया जा रहा। कहाँ बंटवाते हैं आप लोग ये सब खाना? बनता है नगर पालिका और हॉस्पिटल। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल कहते हैं वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कुछ होटलें नहीं खुल रही, बाहर के लोग आए हुए हैं, खाने का नहीं मिल पा रहा है। रोज़ाना अमूमन कितने लोगों का भोजन आप तैयार करते हैं? क्या 300-400 लोग खा रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं जैसे कि मरीजों के साथ में हॉस्पिटल में रहने वाले व्यक्ति, कई लोग जो अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं तो उनको नगर पालिका द्वारा उनके घर पहुंचाया जा रहा है, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। और जो लोग मरीजों के साथ में आए हैं उनके लिए होटलें बंद है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो हम अपने दुकान में बनवा करके वहाँ पर जा करके खाना खिला रहे हैं। तथा कुछ जो गाड़ी घोड़े से माल ला रहे हैं, कच्चा माल लेके आ रहे हैं, उनको भी खाने पीने का खाना नहीं मिल पा रहा है, उनकी सेवा उपलब्ध अपनी दुकान पर ही बना करके उनको खाना खिलाया जा रहा है। कितने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं आप, कितने लोगों को खाना बनाते हैं यहाँ पे? 300-400 लोगों का खाना बनता है, 300-400 लोग खा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा खाने के अलावा भी और कुछ भी वितरण करते हैं? फल फ्रूट भी खिला रहे हैं, आज भी खिलाएंगे, जैसे फल फ्रूट अभी तैयार हो रहा है तो अंगूर खिलाने वाले हैं, कल संतरा खिलाए थे, ऐसे जो जो आइटम अपने पास में तो रहते ही हैं तो उसको जो है फल फ्रूट वो खिला रहे हैं और खाना बना रहे हैं। और क्या संदेश दे रहे हैं खाना देने के साथ साथ लोग, क्या सावधानी बरतने की क्या बोल रहे हैं? उनको सैनिटाइज़र भी बांटा गया था हॉस्पिटल में और उनको मास्क लगाने के लिए बताया, प्रेरित करें। क्या संदेश देना चाहेंगे, चूंकि अभी लॉकडाउन है 21 दिन का, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोगों से यही अपील करेंगे कि लोग
सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में रहें, अपने बच्चों अपने परिजनों को सुरक्षित रखें, जिससे कि हम इस बीमारी से, इस कोरोना वायरस से हमारे देश को और हम हमारे परिवार को सुरक्षित बचा सकें। धन्यवाद। साथियों, ये थे कुछ हमारे कोरोना के बीच कर्मवीर साथी जिनसे हमने बात की है। ये सभी लाचार और गरीबों को जो है भोजन मुहैया कराने की बात कर रहे हैं और ये सतत प्रयास कर रहे हैं। शासन प्रशासन की निगरानी में ये सतत जो है गरीबों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। भोजन के साथ साथ जो है जो भी अति आवश्यक सेवाएं हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद है हमारी टीम की ओर से इन कर्मवीर लोगों को जो सतत जो है आपदा के समय भी अपना तन मन धन जो है गरीबों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। ऐसे कई और भी कर्मवीर साथी हैं जो आपातकाल के समय में बखूबी अपने कर्म को अंजाम दे रहे हैं। हम उन्हें भी साधुवाद देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसे कई निवेदन है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकले, साफ सफाई का बखूबी ध्यान रखें। कोरोना एक न एक दिन जो है हमारे साझा प्रयास से कोरोना को इस देश से जाना पड़ेगा और कोरोना को हम हराने में कामयाब होंगे। आप बिल्कुल डरिए मत, अपने घर में जो है बिल्कुल एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए, सावधानी ही कोरोना का बचाव है। आप बिल्कुल, आपसे निवेदन है कि आप अपने घर में अपना भी और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।